हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RSSP पेंशन सत्यापन ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आँखों के द्वारा अपन कैसे सत्यापन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेंशन सत्यापन आँखों के द्वारा करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही फास्ट तरीके से सत्यापन हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयरस मशीन किस प्रकार से है। तो ये है आयरस मशीन। इस मशीन के द्वारा आप आँख के द्वारा जो वृद्धावस्था या विधवावस्था पेंशन होती है, उस पेंशन को आप वेरिफिकेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं ई मित्र पोर्टल के माध्यम से। तो ये बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होती है, जिनका फिंगर घिस जाता है या फिंगर काम नहीं करता है, फिंगर ख़राब हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ये उपयोगी साबित होती है। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन और आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाते हैं कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप आयरस के द्वारा पेंशन सत्यापन कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मशीन को अगर आपको मंगवाना है तो आप अमेजन से मंगवा सकते हैं। अमेजन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस मशीन का, वहाँ पर क्लिक करके आप मशीन परचेज कर सकते हैं। और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इसके लिए हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक और टिप्स दे देता हूँ कि अभी RSSP में बायोमेट्रिक डिवाइस या कोई भी आयरस डिवाइस मोजिला फायरबॉक्स ब्राउज़र के अंदर चलता है, तो आप मोजिला फायरबॉक्स ब्राउज़र का ही आप यूज़ करें ताकि आपको पेंशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब हम चलते हैं लाइव, आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा देते हैं। RSSP पेंशन सत्यापन के लिए ई मित्र पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में RSSP सर्च करना है, उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद में आपका RSSP पोर्टल ओपन करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर मंत्र आयरस को सेलेक्ट करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यूटिलिटी में ईयरली वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर पेंशनधारी का नंबर लगाना है। उसके बाद में आपको शो पे क्लिक करना है, यहाँ पर पेंशनधारी का आपको PPU नंबर सही से लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी या राइट करने के बाद में कैप्चर बायो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मंत्र आयरस के अंदर लाइट आ जाएगी और वहाँ पर आपको आँख को स्कैन करना है। मात्र 1 सेकंड के अंदर आँख स्कैन हो जाती है। उसके बाद में वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आधार से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर पूरी डिटेल को जांच करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई पे टिक कर दोगे और यहाँ पर वेरीफाई पे टिक कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पर ओके कर दोगे और यहाँ पर प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करके रसीद प्रिंट कर दोगे। तो ये है बहुत ही आसान तरीका पेंशन सत्यापन आयरस से करने का।